गंदे पीले दांतों को बिल्कुल मोती की तरह सफेद और चमकदार बनाने वाला एक बेहद ही असरदार, एक बेहद ही कारगर नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने दांत से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग बहुत ही ज़्यादा तंबाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी, खैनी इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत काले, पीले और गंदे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो भी काले, पीले, गंदे, भद्दे नज़र जो दांत आ रहे हैं वो बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करने हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक क्लीन बाउल। इस क्लीन बाउल में हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर। जी हाँ, हल्दी पाउडर की मदद से आप अपने गंदे पीले दांतों को बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार तो बना ही सकेंगे, साथ ही साथ आपकी दांतों में जो दर्द की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। दोस्तों, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि हमारे दांत दर्द की समस्या को भी बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मात्र थोड़ी सी मात्रा में ले लेंगे हल्दी पाउडर। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों सरसों का तेल। जी हाँ, आपको यहाँ पर शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सरसों के तेल की मदद से आपके दांत के अंदर जो काले परत होते हैं वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ सरसों के तेल में नमक मिलाकर और अपने दांतों की सफाई करेंगे तो आपके दोनों दांत के बीच में जो काली परत होती है वो बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर मात्र आधी चम्मच की मात्रा में लेंगे शुद्ध सरसों का तेल। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और लास्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों मेथी। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेथी का पत्ता। दोस्तों, इसे साग बनाने के काम भी आता है। इस मेथी में एंटी इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। दोस्तों, ये आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करने हैं कि इसके पेस्ट को तैयार करने के लिए आप मेथी के पत्ते को तोड़ ले और इसे पीसकर इसका जूस या पेस्ट तैयार कर ले। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से ही इसे तैयार करके रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लगभग एक चम्मच की मात्रा में इसके जूस को इसमें ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे दांत की जो काली पीली परत है उसे खत्म तो करेगा ही, साथ ही साथ आप जो स्मोक की वजह से, यानी कि पान, बीड़ी, सिगरेट की वजह से जो आपके दांत बिल्कुल काले हो चुके हैं उन्हें ये सफ़ेद बनाने में हमारी मदद करेगा। तो हम यहाँ पर इन तीनों इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, नुस्खा बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, साथ ही साथ आपके मसूड़े बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। आपको यहाँ पर लगभग एक मिनट तक इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग गंदे पीले दांतों की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो वो अपने दांतों की सफाई स्वयं घर पर कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम जानेंगे कि हमें इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। दोस्तों, इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको सुबह, जैसे कि आप रोज़ाना ब्रश करते हैं वैसे ही करना है। आपको एक ब्रश लेना है और इसे डीप कर लेना है और उसके बाद से अपने दांतों के ऊपर इसे लगाना है। दोस्तों, अगर आप सुबह एक बार और रात्रि में भोजन करने के बाद से आप एक बार ब्रश कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो गंदे पीले दांत हैं वो बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी अपने गंदे पीले और काले दांतों की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं तक। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।